इन दिनों कोरोना वायरस के चलते ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसे में लोग ऑफिस के साथ साथ घर के काम की जिम्मेदारी भी खुद ही निभा रहे हैं। किचन में काम करते समय कई बार लापरवाही या फिर अनजाने में लोग अपना हाथ जला लेते हैं। ऐसे में कोई पानी में हाथ डालता है तो कोई बर्फ रगड़ने की सलाह देता है, लेकिन जलने की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसे लेकर लोगों में उलझन रहती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जलने से आराम पाने के दौरान कैसी गलतियां करने से बचना चाहिए। ठंडे पानी से रहें दूर। एक्सपर्ट्स के अनुसार कहीं भी जलने पर सबसे पहले प्रभावित हिस्से को पानी के नीचे रखें, कम से कम 20 मिनट तक उसी स्थिति में रहें। हालांकि इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि पानी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। जले हुए स्थान पर बर्फ रगड़ने या ठंडा पानी डालने से बचें। ऐसा करने से इफेक्टेड एरिया के टिश्यूज के डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। फफोलों को छूने से बचें। कई बार जलने के बाद उस जगह पर फफोले निकल आते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अगर जलने के कारण आपको फफोले हो जाते हैं तो उन्हें छूने से बचें। ऐसा करने से हाथों में मौजूद कीटाणु फफोले के अंदर जा सकते हैं, वहीं इन्हें फोड़ने की कोशिश भी ना करें। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा करने से आप खुद की मुश्किलें ही बढ़ाएंगे। एंटीबायोटिक का ना करें इस्तेमाल। एक्सपर्ट्स की माने तो मामूली जलने पर एंटीबायोटिक दवाओं को यूज करने की जरूरत नहीं होती है। बता दें कि इन दवाओं के इस्तेमाल से पूरा एरिया स्टरलाइज हो जाता है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। हमारी त्वचा में स्वस्थ बैक्टीरिया होते हैं जो त्वचा को अपने आप ठीक कर सकते हैं। टूथपेस्ट नहीं है सेफ। आमतौर पर रसोई में जल जाने पर ज्यादातर लोग प्रभावित हिस्से पर टूथपेस्ट लगा लेते हैं, हालांकि एक्सपर्ट्स ऐसा नहीं करने की सलाह देते हैं। उनके अनुसार टूथपेस्ट, मक्खन या मेयोनीज का इस्तेमाल आपके घावों की हालत और खराब कर सकता है। धूप में निकलने से बचें। अपने घावों को शुरुआती 3 दिनों तक सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से बचाएं। घर से बाहर निकलते समय जलने के कारण हुए घावों को ढक कर रखें। विशेषज्ञों के अनुसार सूरज की किरणों से प्रभावित हिस्से में छाले पड़ सकते हैं। तो ये थे वो 5 काम जिन्हें आप हाथ जलने पर भूल कर भी ना करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।